ये हम लोग ये पहुंच गए हैं डैम में। ये एरिया का नाम अभी तक पता नहीं है। तो ये देखेंगे, ये माउंटेन देखें आप। ये हम लोग यहाँ पे पहुंच गए हैं अभी। यहाँ पे ना हम लोग ने स्टार्ट कर रहे हैं अपना माल्टे वाल्टे खा के, तो उसके बाद देखते हैं क्या सिचुएशन बनती है। उस एरिया में जाएंगे, उस एरिया में जाना है हमने। उसके बाद वहाँ से घूम के उस साइड पे डैम है, उस साइड पे हम यहाँ से ऊपर से हैं, उधर जाना है। ठीक है, ये इधर जा रहे हैं। ये देखें, ये जो एरिया ना, इस तरफ जाने का हम सोच रहे हैं, तो ये इधर जाएंगे ऊपर जाके। इसका नाम पता नहीं चल रहा है, कुछ नाम है इसका लेकिन हमें कुछ आइडिया नहीं मिल रहा, तो चेक करना पड़ेगा। अंडर कंस्ट्रक्शन, ये क्लोज लग रहा है। देखियो, क्यों क्लोज क्यों? क्या चीज़ है फिलहाल? उस साइड से जाके कहते हैं। सुल्तान मोहम्मद अल कासिम है, सुल्तान मोहम्मद इफ्ताकी करियत नजत अल असार। कुछ नहीं पता क्या लिखा हुआ, ऐसी भरम बाजियाँ करा रहे हैं, कुछ नहीं पता। ये लिखा हुआ, कुछ लिखा हुआ शुरूक, ये है कि शुरूक शारजा इन्वेस्टमेंट एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी है। तो अभी कोई जगह ही नहीं अंदर जाने की यार, बंद है इसका। उधर पीछे से भी जगह नहीं होगी, हाँ हाँ पीछे से भी जगह नहीं होगी। ये जो अभी करंटली इन्होंने क्लोज किया हुआ, ये इधर आप नहीं जा सकते अंदर। तो ये क्लोज कर दिया गया अपना, डैम की साइड पे जाना, इसीलिए डैम की साइड पर रेस्ट आ रहा था, है इसीलिए डैम की साइड पर रेस्ट आ रहा था, इन्होंने ये क्लोज कर दिया। इसमें कुछ है नहीं। तो ये जो हमारा प्लान है ये बिल्कुल हो गया है क्लोज, क्योंकि ये है क्लोज फॉर मेंटेनेंस पर्पस, सही है। तो अभी हमने जाना है डैम की साइड पर। अब ये देखिए पानी गिर रहा है बड़ा यहाँ, तो हम डैम की साइड पर चलते हुए जा रहे हैं। तो ये देखिए पानी गिर रहा है ये यहाँ से, ये कौन सा नेचुरल वाटर है, कौन सा वाटर है ये तो नहीं पता। मुराद कौन सा वाटर होगा ये, जाके चेक कर लेते, मसला नहीं है। ये जो पानी लग रहा है मुझे, ये लीक लग रहा है पानी, नेचुरल तो नहीं है और डेंजरस भी लिखा हुआ है। ओहो, ये इलेक्ट्रिक पाइप है, इसके हम लोग घुस रहे हैं तो हमारे अंदर घुस सकते हैं। तो ये हमने आपको ये हेलो, ये देखें साउंड घुस रहा है, देखो ये है साउंड ऑफ द पुलिस, साउंड आर्मी। इस पे कैमरा भी होगा, लोग देख रहे होंगे, पागल लोग। और गाड़ी भी आ सकती है अचानक से, आगे से आएगी। अच्छा, आगे चाहिए हमें ये देखना चाहिए, टनल से हम क्रॉस करके अब वो डैम की तरफ जा रहे हैं। तो फिर आपको डैम की तरफ जाके दिखाते हैं। देखिए ये वो गाड़ी जा रही है ना, वो गाड़ी जा रही है डैम की तरफ। उधर पार्किंग भी है, लेकिन हम लोगों ने इधर पार्किंग लगाई, हमने कहा अंदर से होके जाते, वॉक करने तो आए तो वॉक तो करें। तो ये देखेंगे, ये टनल से बाहर आ गए, ये था वो टनल और ये आ गई पार्किंग। यहाँ पे देखें ये पार्किंग है और ये पहाड़ियाँ सारी जिनको सरपुर करना है हमने। राइट साइड पे हो जाते हैं हम लोग, वरना कोई गाड़ी साइड में लेके चली जाएगी हमको। वो देखें वो पहाड़ियाँ सारी, सूरज निकला हुआ है तन के,
तो बड़ा दिन झाड़ियों में घुसने गए उधर से तन्ने सही पता चला। लोग अंदर अंदर घुसे हुए अंदर बैठे हुए इधर वो अंदर अच्छा बैठने की जगह भी है ना? हाँ डैम तो उधर है ये खाने पीने के लिए कैंपिंग करने के लिए ना पार्किंग अच्छा इधर भी पार्किंग रखा हुआ ये भी एरिया दे कैंपिंग का दे ये सीट कुर्सियाँ लेके यहाँ बैठ सकते हैं कैंपिंग करने के लिए यार अच्छी यहाँ कैंपिंग लगा के बैठ गया बंदा सीढ़ियाँ हैं लोगों ने ज़्यादा अरबिक लोग बैठे हैं सुबह से आके घेर ली होगी ना उन्होंने जगह पहले आके हाँ तो ये हम डैम की तरफ जा रहे हैं अभी साइड पे डैम है उस साइड पे जा रहे हैं उसके बाद डैम में पहुँच के फिर मैं आपको बताते हैं आपको डैम पे पहुँच के फिर वीडियो बनाते हैं ठीक है तो हमें बेसिकली वो डैम का जो जाने का रास्ता है ना प्रॉपर मिला नहीं है ये हम लोग कच्चे पे उतर गए अभी तो मतलब ये पार्किंग से हम डैम पे कैसे जाएंगे वो बोला था वहाँ से डैम पे कैसे जाएंगे तो डैम इसी तरफ है ना लेकिन अगर वो गाड़ी लेके समझ नहीं रहा तू ऊपर भी एरिया है चलो पहले यहाँ से चलते हैं पहले यहाँ से हम लोग देख के आते हैं तो ये हम चलते हुए जा रहे हैं इधर से पानी आता है ये हम लोग चलते हुए जा रहे हैं यहाँ से वो डैम है हम लोग कैसे जाएंगे उधर ऊपर से जाना है इधर से तो रास्ता नहीं है ये तो नीचे का रास्ता है या नीचे से हो क्या है हाँ या ऊपर जाना है ऊपर जाने का रास्ता यहाँ से नहीं ऊपर जाने का वहीं से वो देखिए वो डैम है ऐसा वो डैम वहाँ तक हमने पहुँचना है उसका रास्ता हमें यहाँ से मिलना है इधर से भी हो सकता है हाँ जाके देखें या बंदे से पूछें इधर से बंद होगा लेकिन उधर कैसे जाएंगे एक दो आगे उधर जाके चेक करते हैं वो किधर जा रहा है रास्ता इधर कनेक्ट हो रहा है इस साइड पर हो तो रहा है पता नहीं चल चल जा ये सीधा रास्ता है ना देख लेते हैं चलो ठीक है कुछ रास्ता तो ये डैम की तरफ हम चलते हुए जा रहे हैं देखिए सूरज टना हुआ है वहाँ पर और ये हम डैम है वो डैम है असल में गाड़ी वहाँ पार्क की है तो ये बस यही होता है हाइकिंग में चल रहे हो तो आपको डिस्कवर करने होते हैं नए नए रास्ते ये देखिए ये पानी का एरिया यहाँ पर जब डैम फुल हो जाता है ना वहाँ से पानी छोड़ देते हैं तो यहाँ से बहता हुआ जा रहा होता है जब बारिशें होती हैं ज़्यादा उस टाइम पे तो वो प्रॉपर रोड है प्रॉपर रोड है और चलने की जगह भी वही है वो बंदा बोल रहा था फ्री पार्किंग है वहाँ वाली पेड़ है ऐसा भी बोल रहा था और वहाँ ऊपर हमने चढ़ना है यहाँ से छलांग लगा के उधर चले जाना है हमने देखिए अचानक से हम लोग छलांग लगाएंगे कौन जाएंगे ना वो आपके पास जो रस्सी है स्पाइडरमैन वो तो ये सारा ये पहाड़ी देखिए कितना पहाड़ी है ये तो क्रेनों के निशाने क्रेन में तोड़ी है पतली पतली वो कनेक्ट तो हो रहा है वो देख सही लगा हो रहा था बिल्कुल क्या क्या बात हो रहा था बिल्कुल सही लगे आ गया हम लोग खा रहे थे हम लोग खुआरी हो जाएगी हम लोग इधर उधर हो जाएंगे इधर उधर से इधर लेकिन हाथ चलाने बहुत जरूरी है ये देखिए बैठने की जगह यहाँ पे आप लगाओ बारबेक्यू लगा दो लाके हैं ये लोगों को पता नहीं होगी जब ये देखिए कुर्सी देखें लोगों को लेके आऊँगा तो इधर लाऊंगा ये देखें ये कुर्सी भी बनी हुई है ये दरख आम भी लगते हैं यहाँ पे आम तोड़ो आराम से आगे आम है नीचे कुर्सी है और जंगली आम है और ये देखें ये पानी से ना ये थोड़ा हिल गई है तो ये हम लोग ये हमने डिस्कवर कर लिए यहाँ से ऊपर जाएंगे हम लोग सही है ना
ये जो जगह यहाँ से ऊपर जाएंगे। आप हंस क्यों रहे हैं, आप क्या वजह है आपकी? क्या ये जो कोनी अभी मेरे मुंह पे लगने वाली? अच्छा अच्छा ऐसा था, हाथ यूं यूं कर रहे हैं। वो समय मैं बताना चाह रहा हूँ, इस जगह से जाएंगे ना तो इस वजह से ना थोड़ा सा मसला हो रहा है। तो ये देखिए पानी ने आ आके ना यहाँ पे उसने खड्डे कर दिए। ये देखिए ये भी जगह है, ये देखिए ये भी बैठ और ये भी, लेकिन गाड़ी लेके ऐसे आएंगे हाँ। ये भी देखें ये जगह बैठने की। अच्छा वो देखिए थोड़ा गीला हो रहा है, पानी छोड़ा है इन्होंने। हाँ देखिए सूरज बादलों के पीछे छुप गया है। हाँ फिर आने लग गई है ये हम लोग का। ये कुर्सियाँ पड़ी हैं, इसका मतलब ये प्रॉपर जगह थी लेकिन पानी की वजह से ये सारा ख़राब हो गया जगह। ये इन्होंने प्रॉपर जगह बनाई हुई थी, वो वहाँ भी लगी हुई है, वो भी लगाई हुई बैठने की भाई वो रही। ये देखें ये डैम है तो पानी फुल होता है, वहाँ से पानी छोड़ देते हैं। वो देखें थोड़ा थोड़ा गीला भी हो रहा है तो वहाँ से वो बहता हुआ यहाँ से चला जाता है, ठीक है ना। तो आप आएंगे तो फिर ये जगह से आएँ तो वहाँ फ्री पार्किंग मिल जाएगी आपको, उसके बाद यहाँ से हाइकिंग करके ऊपर जाएं। फैमिली के लिए रिकमेंड नहीं होगा इस जगह, या स्ट्रॉन्ग फैमिली है तो मसला नहीं। देखिए वो थोड़ा थोड़ा पानी गिरा हुआ है, उन्होंने थोड़ा थोड़ा पानी छोड़ा हुआ है। अरे मुरादा मुझे ये लग नहीं रहा पानी छोड़ा हुआ, मुझे लग रहा ली गई। वो तो कुर्सी भी फेंकी हुई किसी ने। सही है, देखिए यहाँ से हम लोग आए और ये देखें ये आखिरी जगह है हट की, उसके बाद सीढ़ियों से ऊपर चलेंगे, यहाँ बैठे हैं लेके। हाँ बारबेक्यू डिस्कवर कर लिए। हाँ ये हमारी जब फिर पार्टी होगी तो सुबह सुबह उनको मैं इधर ले, ये जगह वो ये जगह होगी इधर लगा के बस खाना बनाएंगे। पता नहीं खाने के लिए अलाउ करेंगे कि नहीं, मेरे ख्याल में तो अलाउ होगा। ये पड़ा हुआ ये लिखा हुआ देखो, इधर लिखा हुआ ओहो बारबेक्यू एंड कुकिंग नॉट अलाउ इन दिस एरिया, कैंपिंग भी नहीं अलाउ है। अच्छा। तो, हाँ नहीं है ना ये बारबेक्यू एंड कुकिंग। चलो तो ये जो है ये तो फिर लसन बस खाना बना के लाना पड़ेगा, खा सकते हो बैठ के। सही है ना, वैसे नहीं कर सकते अभी सीढ़ियों से ऊपर उतर रहा। तो ये आपने देखा यहाँ पे बारबेक्यू अलाउ नहीं, आप वैसे यहाँ पे आके ना खाना ला के बैठ के खा सकते हो। लोग कोई है नहीं, किसी को शौक ही नहीं खाना बना के खाने का। और जी देखें भाई ये आ गए हम लोग, ओए होए होए ये देखें ये टाइम है। ये जो है बेसिकली ये डैम है, ये अच्छा लग रहा है। हाँ ये जो आप देख रहे हैं ना ये सारा डैम है, वो सामने कया कि ये लोग चला रहे हैं वो पेड़ होती है सर्विस वहाँ से, और अभी इस तरफ रास्ता के इस तरफ ऐसे घूम के वो रास्ता जा रहा है वहाँ से यूँ करके यूँ उधर जा। चलो फिर जाते हैं है? थोड़ा इधर स्टे करके ना। तो ये सारा डैम है आप देख रहे हैं, याद में देखा ये डैम है यहाँ पे। यहाँ का पानी जो है ना जब ये फुल हो जाता है तो वो पानी छोड़ते हैं इस साइड पे, और इस साइड पे पानी फिर ये देखें यहाँ पे ये रहा, ये देखें ये आपको सही पिक्चर मिल रही होगी, ये वो देखें पानी बिल्कुल कॉर्नर पे बड़ा फुल है यार ये देख। जो भी बारिश होगी नीचे जाएगा पानी फौरन, इस जगह से बहता हुआ उधर चलाएगा। हमने पार्किंग उधर की, याद देखिए डैम का हिस्सा ये पतली सी इन्होंने बनाई हुई, इसके ऊपर भी खड़े हो सकते हैं आप। ये जो एरिया है इस पर भी खड़े हो सकते हैं, ये पानी के ऊपर आ गया हम। देखा ये खतरनाक आ गया, हवा इतनी ज़बरदस्त चल रही है मैं आपको बता नहीं सकता। ये आ गया तो ये डैम के बीच में आ गया है, ये आपका डैम का एरिया।